हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतनीता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त बता दें, जो कि फरीदाबाद से सामने आ रही है। सीएम फ्लाइंग टीम एक्शन मोड में और इसी के साथ पुलिस के साथ मिलकर सीएम फ्लाइंग टीम ने सेक्टर 3 की दुकान पर छापेमारी की। आपको जानकारी दे दें कि यहां बड़ी मात्रा में नकली घी और भांग की गोलियां बरामद की गई हैं। मिल्क फूड के नाम से यहां पर नकली घी बनाया जा रहा था। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि नकली मुहर और लेबल यहां से बरामद किए गए हैं। देखिए किस तरह से यहां नकली घी का कारोबार फलता फूलता नजर आ रहा है और किस तरह से इस फलते फूलते कारोबार पर रोक लगाई गई है, इनका भंडाफोड़ किया गया है सीएम फ्लाइंग टीम ने। फरीदाबाद से बड़ी खबर, सीएम फ्लाइंग टीम एक्शन मोड में नजर आई। यहां पुलिस के साथ सीएम फ्लाइंग टीम ने मिलकर सेक्टर 3 की दुकान पर छापेमारी की। यहां बड़ी मात्रा में नकली घी और भांग की गोलियां बरामद की गई हैं। मिल्क फूड के नाम से बनाया जा रहा था, यहां नकली घी नकली मुहर और लेबल भी यहां से बरामद किए गए हैं। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं, जो कि फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां सीएम फ्लाइंग टीम ने पुलिस के साथ मिलकर सेक्टर 3 की दुकान पर छापेमारी की है। यहां नकली घी और भांग की गोलियां बरामद की गई हैं। मिल्क फूड के नाम से यहां पर नकली घी बनाया जा रहा था, नकली मोहर और लेबल भी यहां बरामद किए गए। आप देखिए कि नकली घी का कारोबार किस तरह से लगातार फल फूल रहा है, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल आगामी त्योहार भी आने हैं और इसी दौरान किस तरह से नकली घी का कारोबार फलता फूलता नजर आ रहा है। सीएम फ्लाइंग टीम लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रदेश के कई जिलों में सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करते हुए कई नकली घी की कंपनियों पर भी छापा मारा है और नकली खाद की कंपनियों पर भी छापा मारा गया है। फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम फ्लाइंग टीम ने बड़ी मात्रा में नकली घी और भांग की गोलियां बरामद की हैं और यहां पर नकली घी बनाने वाली एक कंपनी का भंडाफोड़ किया है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता राजा पटेल की ओर। राजा, जरा बताएं कि यहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम की ओर से क्या क्या कार्रवाई की गई और किस तरह से सीएम फ्लाइंग टीम को पता चला कि यहां पर नकली घी बनता है। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही सोनिया मैं बता दूं 9 बजे के करीब से ही सीएम फ्लाइंग की ज्वाइंट कार्रवाई चल रही है। सीएम फ्लाइंग और फरीदाबाद पुलिस की जो तमाम टीमें हैं, दो जगह कार्रवाई चल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये स्टोर है, ये दुकान है, इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ऊपर गोडाउन है, इसमें तमाम जो अमूल की बात करें, मदर डेयरी की बात करें, मिल्क फूड की, बड़े बड़े ब्रांडों के नकली घी बनाए जा रहे थे। ऊपर साफ तौर पर सीएम फ्लाइंग की टीम और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। साफ तौर पर ऊपर कार्रवाई चल रही है। थोड़ी ही दूरी पर, जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि थोड़ी ही दूरी पर आगे चल के थोड़ी ही दूरी पर भांग की जो गोलियां हैं, जिस तरीके से नशे का कारोबार कहीं ना कहीं फरीदाबाद में प्राप्त होता नजर आ रहा है, भांग की गोलियों को किस तरीके से दुकानों तक पहुंचाया जा रहा था, कस्टमरों तक पहुंचाया जा रहा था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं छापेमारी की जा रही है। 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, लगातार जो है छापेमारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। आखिरकार कितने दिनों से जो ये लोग हैं इस तरीके की गंदे कारनामे कर रहे थे। साफ तौर पर सबसे ज्यादा जो फोकस है सीएम फ्लाइंग का, क्योंकि ब्रांडेड जो घी के नाम पर नकली पदार्थ उसमें बनाकर कहीं ना कहीं नकली घी बनाकर उनको बेचा जा रहा था, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो सीएम फ्लाइंग की टीम उस पर सबसे ज्यादा छापेमारी की जा रही थी। काफी ज्यादा क्विंटल में घी बरामद किया गया और सबसे बड़ी बात है कि अमूल का ब्रांड लगाया जा रहा था, कहीं ना कहीं मदर डेयरी का इस पर लोगो लगाया जा रहा था, उसके बाद बाजारों में फरीदाबाद के बाजारों में बेचा जा रहा था। जी सोनिया। राजा, यहाँ पर जो घी बनाने वाले व्यक्ति थे जिनके संचालन में तमाम काम होता था, उनका पता चला हो कि किस उद्देश्य के साथ वो बनाते थे और कितने सालों से वो इस काम में संलिप्त हैं? जी बिल्कुल, देखिए सीएम फ्लाइंग ने कहीं ना कहीं उनके खिलाफ मामला जरूर दर्ज कर दिया और लगातार अंदर, मैं आपको बता दूं कि इसी भवन के अंदर, इसी मकान के अंदर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि किन किन दुकानों पर फरीदाबाद में घी को सप्लाई करते थे और कितनी दुकानें हैं जो, और कितने दिनों से ये कारोबार कर रहे हैं, कितने दिनों से ये घी बना रहे हैं। तो साफ तौर पर ये देखिए, ये जो शटर बंद कर रखा है, इसके अंदर सीएम फ्लाइंग की तमाम जो टीमें हैं, पुलिस की टीमें हैं, पूछताछ कर रही है उन लोगों से कि किन किन दुकानों पर वो इस तरीके का नकली जो घी है वो सप्लाई करते थे और कौन कौन और इसमें है जो
जिनके तार जुड़े हैं वो पूरी छानबीन सीएम फ्लैंक की टीम और पुलिस की टीम यहाँ पर करती हुई नजर आई। 3 घंटे से ज्यादा बहुत बड़ी कार्रवाई सोनिया, हम इसको कहेंगे कि 3 घंटे से ज्यादा, संडे का दिन है, 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। जिस तरीके से बात करें नशे की जो गोलियां हैं, कहीं ना कहीं जो भांग की गोलियां हैं उसका भी कारोबार यहाँ से चलता था साफ तौर पर, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हम सीएम फ्लैंक के लिए कहेंगे और पुलिस की टीम के लिए कहेंगे, क्योंकि नशे का कारोबार फरीदाबाद में पिछले काफी दिनों से काफी ज्यादा पनपता नजर आ रहा है। इस तरीके से भांग की जो गोलियां हैं दुकानों पर, पान की दुकानों पर जिस तरीके से सप्लाई की जा रही थी, तो लगातार जो है सोनिया यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। जी राजा, आसपास के लोगों से आपने बात की हो, उनका क्या रिएक्शन आया? क्या उनको पहले पता था? क्या वो भी घी खरीदते थे? अगर खरीदते थे तो क्या क्या प्रतिक्रिया उनकी ओर से सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए लोगों का साफ तौर पर यही कहना था कि 1 से 1.5 महीने पहले ही यहाँ पर जो है ये कंपनी यहाँ पर जो है जो नकली कंपनी यहाँ पर शिफ्ट की गई थी। लोगों को भी जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनको भी ये नहीं पता था कि यहाँ पर किस तरीके का कारोबार किया जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे जो है परचूने की दुकान है और ऊपर टीन शेड में इस गोडाउन को बना रखा, ऊपर जो है ड्रम रखे हुए थे साफ तौर पर। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं जो आस पड़ोस में जो लोग रहते, क्योंकि पूरा रिहायशी एरिया है सेक्टर 3 का ये, और रिहायशी एरिया में ये कहीं ना कहीं कारोबार, गंदा कारोबार किया जा रहा था, तो लोगों को भी कहीं ना कहीं इस चीज की भड़क नहीं थी। पर जिस तरीके से आज सीएम फ्लाइंग की टीम यहाँ पर पहुंची है, लगातार पूछताछ जरूर जारी है और बहुत बड़ा कहीं ना कहीं खुलासा हो सकता है, क्योंकि तमाम जो दुकानें हैं, तमाम जो होलसेलर हैं, उन दुकानों पर जो जानकारी है ये घी सप्लाई किया जाता था। बहुत बड़ी बात है, जो ग्राहक इस घी को लेते होंगे, अमूल के नाम पर घी जरूर लेते होंगे, पर उसमें किस तरीके की मिलावट होती होगी ये एक बहुत बड़ी बात है, तो उसको लेकर सीएम फ्लाइंग कहीं ना कहीं पूछताछ कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बड़ी खबर आपको हम फरीदाबाद से बता रहे हैं, जहां सीएम फ्लाइंग टीम ने पुलिस के साथ मिलकर सेक्टर 3 की दुकान पर छापेमारी की है। बड़ी मात्रा में नकली घी और भांग की गोलियां यहां से बरामद की गई हैं और ये कार्रवाई लगातार कई घंटों से यहां पर जारी है। मिल्क फूड के नाम से यहां पर ये नकली घी बनाया जा रहा था, नकली मोहर और लेबल भी यहां से बरामद हुए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मिल्क फूड के नाम से यहां पर नकली घी बनाया जा रहा था, भांग की गोलियां भी यहां से बरामद की गई हैं। तो जाहिर से बात है, नकली घी के साथ नशे की गोलियां भी बनाई जा रही थी। तो ऐसे में सीएम फ्लाइंग टीम और पुलिस की जो कार्रवाई है वो कुछ घंटों से लगातार जारी है, लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल ये देखना होगा कि यहां जो फैक्ट्री संचालक हैं उनकी ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्या क्या कार्रवाई उन पर होती है, क्योंकि देखिए नशे का कारोबार भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच ये जरूरी हो जाता है कि हम किसी भी शहर को एक ऐसा शहर बनाएं जहां पर ना तो नशा तस्करी हो, ना यहां के युवा नशे में संलिप्त मिले।